क्या चीज में? मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में बैठे हम लोग के साथ, कहाँ फेल हो गए हैं? वो तो बड़े घर, बड़े बाप के बेटा है, बड़े लोग हैं, हम लोग तो ऊपर घर घर के हैं, हम लोग को क्या आता है? हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग तो मजदूरी करके मेरे पापा मम्मी पापा पढ़ाए हैं लोग, तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी करके लोग घुसा गए, वो तो नौगा फेल है, किस लायक है? चपरासी के नौकरी के लायक नहीं है, चपरासी के नौकरी में ग्रेजुएशन खोज रहा है, किस लायक है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए? स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, चपरासी लग नहीं है, कुछ नहीं, कोई लायक नहीं है, कुछ लायक ही नहीं है, वो मैट्रिक फेल है, नौकरी फेल है, ग्रेजुएशन पीजी करके लोग बैठा है, 100 रुपए के 1000 रुपए का महीना मिल रहा है, कहा हम लोग किसी की माँ पे बहन बेटी नहीं है, एक तो प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसी कुछ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहा है, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप प्रधानमंत्री, आप लोग के स्वास्थ्य, एक मिनट एक मिनट, चाची 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 ज्यादा खा के बिंदु है, नीतीश कुमार को झाड़ू से मारेंगे, ऐसे सरकार को झाड़ू से बाहर दो, ऐसे सरकार को झाड़ू से बाहर दो। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झाड़ू से बाहर परीक्षा बैठिएगा उनके साथ, वो लोग के जेल में ठूस दिए हैं, अकेले नहीं है हम लोग, हम लोग जेल में जाकर तैयार, हम लोग जाकर जाने के लिए तैयार, पूरा जेल को भर देंगे हम लोग, हम लोग को रखने के लिए। सिधवलिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाला ये सिधवलिया का सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं आम महिलाएं नहीं है, ये आशा लोग हैं जो कि धरने पर बैठा है, इन लोग का ये मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और सरकारी कर्मचारी माना जाए, लेकिन यशस्वी नीतीश कुमार जी को ये स्वीकार नहीं है, ना ही वो शिक्षक को अपना मानते हैं, ना ही इन लोग को मानते हैं, तो दोनों लोग अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अभी किसान सलाहकार लोग भी बैठे हुए हैं, ये लोग जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के तेजस्वी यादव, जो कि लालू जी के सुपुत्र हैं, जो कि गोपालगंज जिले यानी इसी जिले से बिलोंग करते हैं, उनसे ये लोग मांग कर रही हैं और धरना पर बैठी है। चलिए इनकी क्या मांगे हम पूछने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं और इनकी मांगे क्या है और ये हड़ताल है जो कब तक चलेगा, क्या मांग बच्चा जी? मांग है सर की सरकारी कर्मचारी सरकार हम लोग को घोषित करे, कितना मिलता है आप लोगों को? हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है तनख्वाह, हम लोग को मात्र 150 पर रखा गया, 100 रुपए 50 रुपए करके हम लोग को मिलता है, ये 100 रुपए 50 रुपए मिलेगा, ये काम करो 50 रुपए मिलेगा, बस यही करके हम लोग को मिलता है, इतना ही मिलता है, बस इतना ही मिलता है, ये काम करो 100 रुपए, तो 100 रुपए में तो निमन साड़ी हो ना, कुछ नहीं होता है, घर से भी हम लोग गए यहाँ को मांगा मांगा होता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, घर से भी हम लोग फीका पड़े रहते हैं, घर से भी होता है कि हाँ इतना कमाती है, ये चीज खरीद के ला दो, हमारे पास पैसा हमको मिलता है कि हम खरीद के लाए, घर से भी झुके हुए हैं और यहाँ अस्पताल से भी झुके, हर जगह से हम लोग ठोकर खाते रहते हैं, अस्पताल से झुके हुए मतलब पैसा नहीं मिलता है, ये लोग भी व्यवहार नहीं, ये लोग भी कहते हैं कहीं अच्छा व्यवहार नहीं है, हम लोग को इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलता, कोई पदाधिकारी का अच्छा व्यवहार करता है, न सरकार का कोई अच्छा व्यवहार है, सरकार बड़ा बड़ा वादा करती है, आशा को ये देंगे वो देंगे और आशा का शोषण करती है सरकार, सरकार से गुजारिश है कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी जल्द से जल्द घोषित कर। अच्छा, कोरोना में आप लोग लगता है ड्यूटी किए उसका कुछ नहीं मिला? कोरोना में हम लोग अपने शरीर को असुरक्षित रखते हुए और सारा हम लोग काम किए, जहाँ तहाँ से आए हुए व्यक्ति को हम लोग सुरक्षा किए, न हम लोग को सरकार की तरफ से एक स्टेबलाइजर मिला, न कोई सुविधा मिला। देखिए, कोरोना काल को आप जब याद कीजिएगा तो बहुत सारे तस्वीरें हैं जिसको देखने के बाद रोंटे खड़े हो जाते हैं, कोरोना काल में लोग अपने अपने परिवार को छूने को तैयार नहीं था, उस समय इस महिलाओं ने लोगों को छुआ और उस खतरनाक बीमारी से लड़ने का काम किया, उस समय का आप लोगों को कुछ नहीं मिला, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे, अब याद कीजिए इन लोगों को कोरोना योद्धा बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे इन लोगों ने अच्छा काम किया उस समय में, हर पेशेंट से हम लोग मिलते थे जाके, हर पेशेंट से मिलते थे, सारे लोग घर में छुपे हुए थे, हम लोग उससे जाके, लोग अपना घर वाला से नहीं मिल रहा था, हम लोग उससे मिलते थे,
जान जोखिम में डाल के माताओं का ही देन है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हुआ। और एक तरफ आशा सरकार कहती है कि आशा हमारी स्वास्थ्य विभाग का नींव है, और दूसरे तरफ सरकार हम लोगों को नहीं, हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह काम कराती है मगर उसका दाम नहीं देती है। बंधुआ मजदूर के 300 रुपया एक दिन के बाद 400 बार खुद हम एक जाना मजदूरा रखते हैं तो मात्र उनको 500 से 600 अब एकदम खिला पिला कर 400 रुपया देते हैं। हम सरकार का काम करते हैं तो हमें 300 मिला, 200 मिला, 7 रुपया मिला, 5 रुपया मिला, ऐसा नहीं हुआ तो प्रत्येक अपने के घर कहाँ पड़ी चाची? मेरा घर है बलीचा पर। मैं तो 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए 70 रुपया लगता है, 100 रुपया लगता है। और उससे भी नहीं होता है, मेरे पास कभी कभी पैसा नहीं रहता है, मैं पैदल चल कर आती हूँ। अगर पैदल भी नहीं आऊं तो हर जगह अगर मांगे क्या क्या मांगे मुख्य तौर पे क्या मांगे? मुख्य मांग है कि हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं और सरकार जो वादा की है हम लोग का जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित करे, ये सरकार से मैं अपील करती हूं। और हम लोग को जो 1000 रुपया मानदेय प्रोत्साहन के रूप में देती है वो टेगरी से देकर और हम लोग का ऐसे काम के अथी पर देने लगी, पोर्टल में खींच ली। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि वो 1000 रुपया को 10,000 करके और मानदेय के रूप में दिया जाए। अच्छा ये नहीं करती है तो सरकार तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार को उठने नहीं देंगे, हम लोग को सरकार बात नहीं सही। सरकार एक मनीष कश्यप बोला कि सरकार गिरा देंगे तो उसको जेल में भर दिया। नहीं हम लोग नहीं है, हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसी कुछ भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनना चाह रहे हैं। आप लोग स्वास्थ्य एक मिनट चाची ज्यादा ठकेल बिंदु है रहुआ मनीष कश्यप, मनीष कश्यप बहुत नहीं और तेजस्वी जी मनीष कश्यप के लोग कहे कि जेल में ठूस देते रहुआ लोग जेल में आगे बढ़ा देना पीछे खसकवाल चाहिए था नहीं रहुआ लोग के जेल में ठूस दिए हैं जेल में जाकर तैयार जेल को भर देंगे हम लोग को रखने के लिए झाड़ू से बाहर दो, ऐसे सरकार को झाड़ू से बाहर दो। अच्छा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झाड़ू से बाहर बनेंगे कोई कुछ नहीं बनेगा, जब पब्लिक चाहेगा तब, जब पब्लिक चाहेगा शोषण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? हम तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? हम लोग का दावा है कि नहीं बन सकते हैं, हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेंगे नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, हम लोग उनका कुर्सी को गिरा देंगे। काम कर रहे हैं खाने को नहीं मिला समय से पैसा पूरा बैंक भर आए हम लोग क्या चीज है? हम लोग का बच्चा रोता है, हम लोग को अपने शरीर का कोई लाइफ नहीं है, हम लोग दूसरे का शरीर को लाइफ रखते हैं। हम यही कहेंगे कि आशा का मांग हम लोग का पूरा हो, नहीं होगा तो पेट नहीं भर रहा है, नहीं भरेगा पेट हम लोग तक काम किस लिए कर रहे हैं? 16-17 साल से हम लोग इसमें का आज होगा आज होगा हाथ पसारे हुए भीख मांगा की तरह भीख मांग रहे हैं, हम लोग का मिल ही नहीं रहा है, हम लोग का पेट नहीं भरेगा, बाल बच्चा को हम लोग को कैसे परवरिश होगा बताइए? 12 बजे रात तो उसमें भी हम लोग आते हैं, 2 बजता है रात कोई चल जाएगी चलना है तो हम लोग आते हैं, अपना बच्चा छोड़ के घर छोड़ के रास्ते में हम लोग को कुछ हो जाएगा तो कोई रिक्स लेगा? बिल्कुल कोई रिक्स नहीं लेगा। कौन लेगा रिक्स? प्रभारी लेंगे कि मैनेजर लेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री लेंगे कि नीतीश कुमार लेंगे, कौन लेगा? हम लोग का सुरक्षा का गारंटी दिया जाए, सरकार से अपील है कि हम लोग का सुरक्षा का गारंटी दिया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की तरह हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अच्छा नारे आप लोग लगा रहे हैं, कौन कौन से नारे लगा रहे हैं? हम लोग नारा लगा रहे हैं तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, ऐसा सरकार को, ऐसा सरकार को। वो लोग बैठल बानी हड़ताल को भाजपा वाला लोग कहलक बड़ा दौड़ा दौड़ा के मरलक, मरने के लिए तैयार है भैया, ऐसे भी तो हम लोग मरिए रहे हैं, हमारे बाल बच्चा भी मर गया, लाठी लेके बैठम सब पूरे नाम भर जा रहे हैं हमारे बाल भी लगे लेके जी हम लोग भी लेके मरे सब अपने हक के लिए मरे हैं, बाबू से पहाड़ी के रहे तो भैया हम लोग मर ही रहे हैं। बच्चा मजदूरियों भी कर सके, अब बड़े बड़े बात कर रहे हैं यही। देखिए निश्चित तौर पे जो महिलाएं हैं काफी आक्रोश में हैं, जो ये आशा वाली हैं काफी आक्रोश, अगर नीतीश कुमार और साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के
तेजस्वी जी, इनकी मांगे पूरा आप अगर नहीं करते हैं तो ये हर एक क्या कहते हैं मुश्किलों से ये सामना करने के लिए तैयार है, आपके साथ बहुत गलत कीजिएगा। गलत करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को अपना जान देना पड़े या किसी के जान को लेना पड़े, जान देना। हाँ, हम लोग एकदम उतर गए हैं। 16 साल हो गया भैया, 18 साल 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई 3 महीना काम कर लेगा हमारे घर में, किसी को हम नौकर के रूप में रखेंगे, 3 महीना काम करता है तो अपना दवा जमा देगा कि हम 3 महीना काम किए हैं। हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग का। हम लोग तो आपको कैसा लगा बताइएगा, जरूर कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। एक बार एमपी एमएलए विधायक जब जीत जाता है तो लोग जीवन भर के लिए मरने तक पेंशन बना जाता है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। एक बार जीत जाता है तो लोग का पेंशन जिंदगी भर के लिए बना जाता है, चाहे अंगूठा छाप फोकस। हम लोग इतना पढ़ लिख कर हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं है। नौकरी वाला का पेंशन बंद कर दिया जाएगा लेकिन नेता लोग का पेंशन जारी रहेगा, ये नहीं बंद होगा। तेजस्वी का धैलस करोना हो दिने सुसे नारा, तेजस्वी का धैलस करोना हो दिने सुसे। काठी से हम लोग इस बार सबक सिखा देंगे। 20 लाख नौकरी के वादा किए हैं कि हम जीतेंगे तो 20 लाख लोग नौकरी देंगे, सब कहाँ चला गया? मोदी जी बोले जब बहुत लोग नौकरी दे रहे हैं, इतना दिन में कोई बहाली नहीं, सब लूटे वाला लोग, बस सारा सारा लोग।